हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एग्स। एग्स का टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं एग्स, ठीक है। आज उसके बारे में देखेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, एग्स के स्ट्रक्चर के बारे में एंड कंपोजिशन के बारे में, ठीक है। एग्स में एग्स एल्बुमिन पाया जाता है एंड योक के बारे में, उसमें कौन कौन से प्रोटीन पाया जाता है उसके बारे में देखा था। अगर आपने मेरे इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा हो तो प्लीज़ देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एग्स का टाइप कितने टाइप्स का होता है एग्स, तो दिस इज कैटेगराइज्ड मेनली इनटू थ्री वेज। थ्री वेज में कैटेगराइज्ड किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक, योक के अमाउंट के बेसिस पे, ठीक है। एंड दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक, योक के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहता है योक। एंड तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ एग शेल, एग शेल के प्रेजेंस आर एब्सेंस के बेसिस पे, ठीक है। एग शेल किस में प्रेजेंट है, किस में नहीं प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो ये तीन तरीका है जिसमें क्लासिफाई किया गया है। तो पहला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक। यार मुझे बहुत डर लगता है। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक, योक के अमाउंट के बेसिस पे, चलिए सॉरी, योक इज द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। योक जो होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो एम्ब्रियो डेवलप होते हैं उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट इनसाइड द एग, एग के अंदर जो योक प्रेजेंट होता है उसके अमाउंट के बेसिस पर द एग्स आर ब्रॉडली क्लासिफाई इंटू फॉलोइंग कैटेगरी। एग्स जो है वो फॉलोइंग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। एग्स के एग के अंदर जो योक प्रेजेंट होते हैं उस योक के अमाउंट के बेसिस पे, ठीक है, कितना योक प्रेजेंट होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, उस बेसिस पे, ठीक है। तो मेनली थ्री होते हैं उस बेसिस पे, योक के अमाउंट के बेसिस पे। कौन कौन से तीन होते हैं, तो माइक्रोलेसिथल और ओलिगोलेसिथल एंड एलेसिथल, मेसोलेसिथल एग, मेगालेसिथल और पॉलीलेसिथल एग, ओके। उसके बाद पहला देखते हैं माइक्रोलेसिथल। माइक्रो मीन्स छोटा, ठीक है, नाम से पता चलता है जिसमें कम योक होते हैं, ठीक है। माइक्रोलेसिथल यानी कि जिसमें कम योक होते हैं आर ओलिगो आर एलेसिथल, ठीक है, या होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं या फिर होते ही नहीं है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, दोज एग्स इन विच योक इज प्रेजेंट, दोज एग्स इन विच योक इज प्रेजेंट इन वेरी लिटिल क्वांटिटी कॉल्ड माइक्रोलेसिथल एग, जिसमें बहुत लिटिल क्वांटिटी में योक होते हैं उसको माइक्रोलेसिथल एग कहा जाता है। द माइक्रोलेसिथल टाइप ऑफ एग फाउंड इन एम्फियोक्सिस अदर सिफेलोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स को एम्फियोक्सिस कहा जाता है, ठीक है। एम्फियोक्सिस के अलावा अदर सिफेलोकॉर्डेट्स, ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट्स यानी कि यूरोकॉर्डेट्स, ठीक है, ये दोनों जो है एम्फियोक्सिस, सिफेलोकॉर्डेट्स एंड यूरोकॉर्डेट्स जो है ये कॉर्डेटा का सब क्लास है, ठीक है। कॉर्डेटा जो फाइलम है उसका सब क्लास, तीन सब क्लास होता है पता है ना, यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टेब्रेट्स, ठीक है, एंड मार्सुपियल्स एंड यूथेरियन मैमल्स। मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स यानी कि मोनोट्रिम्स, मोनोट्रिम्स जिसमें कंगारू आते हैं, एंड यूथेरियन मैमल्स, यूथेरियन जिसमें मैन आते हैं, मंकी आते हैं, ठीक है। एंड इन सभी में ऑल हैव होलोब्लास्टिक क्लीवेज, और इन सब में होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। वैसे क्लीवेज के बारे में मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप ऐसे ही जान जाओ कि जिसमें माइक्रोलेसिथल एग योक होते हैं, सॉरी, जो माइक्रोलेसिथल एग होते हैं ओलिगो या एलेसिथल एग होते हैं जो भी, उनमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज होते हैं, ठीक है। जो भी माइक्रोलेसिथल एग, ओलिगोलेसिथल या मेसोलेसिथल भी जो होते हैं एग, उनमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बी क्या है, मेसोलेसिथल एग, सच टाइप ऑफ एग इन विच योक इज प्रेजेंट इन मॉडरेट क्वांटिटी, जिसमें मॉडरेट अमाउंट में योक प्रेजेंट होता है, कॉल्ड मेसोलेसिथल एग, उसको मेसोलेसिथल एग कहा जाता है। द मेसोलेसिथल एग
फाउंड इन एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस में पाया जाता है मेसोलेसिथल एग, और इसमें भी होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। ठीक है, देखिए क्लीवेज क्या है, चलिए थोड़ा बहुत जान जाते हैं। यहाँ मैंने ऊपर लिखा है योक पोजीशन एंड योक अमाउंट इफेक्ट क्लीवेज, क्लीवेज को इफेक्ट करता है। योक का पोजीशन क्या होता है, होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या फिर वेस्टल पोल एनिमल पोल की ओर होता है, किस योर होता है पोजीशन उसका, एंड अमाउंट, इन सभी पे डिपेंड करता है उसका क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज क्या होता है, तो जायगोट जो हमारा फॉर्म होता है आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल फीमेल गैमेट्स के बाद जो जायगोट फॉर्म होता है डिप्लॉयड सेल, उस जायगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, बहुत सारा माइटोटिक डिवीजन होता है जिसको क्लीवेज कहते हैं। 2, 6, 4, 8 ऐसे ही सेल बनते जाते हैं, उसमें सेल का नंबर इंक्रीज होता है। याद रखिएगा कि जो क्लीवेज होता है उसमें सेल का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है बल्कि सेल का नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, सेल का नंबर इंक्रीज होता है एंड क्लीवेज होता है, तो वही क्लीवेज मतलब किस तरीके से होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर योक आपका प्रेजेंट होता है वेस्टल पोल की ओर, तो क्लीवेज आपका किस तरह से होगा, हॉरिजेंटल होगा या फिर वर्टिकल होगा, तो उस डिफरेंट तरह के क्लीवेज का भी नाम दिया रहता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, तो वो डिपेंड करता है योक के पोजीशन पे एंड योक के अमाउंट पे। ठीक है, तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है वो माइक्रोलेसिथल या मेसोलेसिथल एग में प्रेजेंट होता है ठीक है, यानी कि ह्यूमन बींग्स में भी, मैमस में भी होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। ठीक है, एंड एक आता है मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है वो मेगालेसिथल एग में होता है। ठीक है, जिसमें योक का अमाउंट ज़्यादा होता है मेगालेसिथल, उसमें मेरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब तीसरा क्या बाकी है, मेगालेसिथल और पॉलीलेसिथल एग। इट इज अ टाइप ऑफ एग इन विच योक इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, हेंस इट इज कॉल्ड पॉलीलेसिथल और मेगालेसिथल एग। ठीक है, इसमें योक का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है इसलिए उसको पॉलीलेसिथल, पॉली में ज़्यादा होता है, लार्ज होता है, और मेगालेसिथल एग कहा जाता है। सच टाइप ऑफ एग्स आर फाउंड इन, और इस तरह का एग रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड प्रोटोथेरियंस, प्रोटोथेरियंस यानी कि मोनोट्रिम्स। ठीक है, हाँ मोनोट्रिम्स, मोनोट्रिम्स कौन से होते हैं, प्रोटोथेरियंस मोनोट्रिम्स कौन होते हैं, एग लेइंग मैमल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें ऑर्निथोरैंकस प्लेटिपस आते हैं। ठीक है, और उसमें मेरोब्लास्टिक क्लीवेज होते हैं, जो भी मेगालेसिथल एग होते हैं जिसमें योक का अमाउंट ज़्यादा होता है उसको मेगालेसिथल एग कहा जाता है, और उसमें मेरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। ठीक है, क्लीवेज यानी कि फ्यूजन के बाद जो जायगोट बनता है, और जायगोट में बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन होते हैं जिसमें सेल का नंबर बहुत सारे इंक्रीज होते हैं, और उनका डिवीजन होता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिफरेंट टाइप्स के, तो उस क्लीवेज का नाम दिया जाता है होलोब्लास्टिक, मेरोब्लास्टिक, ऐसे स्पाइरल क्लीवेज, रेडियल क्लीवेज होता है। ठीक है, तो क्लीवेज के बारे में बाद में कोई दूसरा वीडियो बना दूंगी मैं। और उसके बाद क्लीवेज होने के बाद वो डिफरेंट स्टेजेस में जाता है, ब्लास्टोमेरस मोरूला एंड ब्लास्टुला गैस्ट्रुला, ये सब स्टेज में जाता है, डिफरेंट जर्म्स लेयर बनाता है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बनाता है जिससे डिफरेंट ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम अराइज होता है, ये सब डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इंक्लूड है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने केवल यही देखा था ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक, योक के अमाउंट के बेसिस पर ही देखा है। ठीक है, और हमारा दो टॉपिक बचा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक के बेसिस पे एंड एग शेल के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे। ठीक है, किसमें एग शेल प्रेजेंट है, किसमें नहीं है, उसके बेसिस पे, और योक के डिस्ट्रीब्यूट के बेसिस पे, ये दोनों बाकी है। ठीक है, बाकी अमाउंट के बारे में देख लीजिए, उसमें तीन होता है, माइक्रोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मेसोलेसिथल, मेगालेसिथल। माइक्रो जिसमें कम योक हो, मेसो जिसमें मॉडरेट हो, मेगा जिसमें ज़्यादा हो। ठीक है, माइक्रोलेसिथल में कौन कौन एग्जाम्पल होंगे, तो एम्फियोक्सस होंगे यानी कि सिफेलोकॉर्डस, यूरोकॉर्डस, मार्सुपियल्स जिसमें कंगारू आते हैं, यूथेरियन मैमल्स होंगे। ठीक है, और माइक्रोलेसिथल एंड मेसोलेसिथल एग जो होते हैं उसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज होते हैं। ठीक है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होते हैं, एंड मेसोलेसिथल में एग्जाम्पल कौन होगा, तो एम्फीबियंस होंगे। मेगालेसिथल में एग्जाम्पल कौन होगा, मेगालेसिथल यानी कि पॉलीलेसिथल जिसमें ज़्यादा योक होते हैं उसका एग्जाम्पल होगा रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड प्रोटोथेरियंस, प्रोटोथेरियंस यानी कि मोनोट्रिम्स एग लेइंग मैमल्स। ठीक है, इसमें मेरोब्लास्टिक क्लीवेज होते हैं, जिसमें मेगालेसिथल एग में मेरोब्लास्टिक क्लीवेज होते हैं। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।